अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। घर में सुख शांति, समृद्धि और धन खुशहाली बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का पालन करना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में इन नियमों को वास्तु नियम के तौर पर जाना जाता है। पुराने समय से इन बातों का खास ख्याल रखा जाता रहा है। वास्तु से जुड़ी बातों में धर्म और शास्त्रों की बातों को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके उनकी जिंदगी में आर्थिक तंगी बनी रहती है। पैसा का आगमन तो होता है लेकिन टिकता नहीं है। इसके लिए वे तमाम तरह के उपाय करते हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में इस समस्या को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के अनुसार उपायों को बताने जा रहे हैं जिसको अपनाकर आर्थिक तंगी को दूर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर एक, उत्तर दिशा में फाउंटेन रखना आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। घर में द्वार के सामने दूसरा द्वार बनवाने से बचें, इससे धन संचय नहीं हो पाता। नंबर दो, सबसे पहले तो अगर घर या दुकान में हमेशा मकड़ी के जाल लगे रहते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें और आगे से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। नंबर तीन, साथ ही अगर घर या दुकान की दीवारों पर निशान पड़ गए हैं या उसकी पपड़ी उतरने लगी है तो उसे जल्दी ठीक करवा लें, इससे आपको धन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। नंबर चार, घर दुकान में लगे पौधों पर अगर सूखी पत्तियां नजर आए तो उन्हें तुरंत ही काट दें, वरना आपके घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। नंबर पाँच, इसके अलावा घर या दुकान में या आसपास कहीं चमगादड़ का डेरा हो तो यह बहुत ही अशुभ होता है। यह खर्चे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। नंबर छह, वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा धन आगमन की दिशा होती है और अगर इस दिशा में भारी सामान रखा हो या इस जगह पर बहुत गंदगी रहती हो तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में धन आगमन की गति धीमी हो जाती है। नंबर सात, उत्तर पूर्व दिशा में अगर हर समय अंधेरा रहता हो तो परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकता है, इसलिए इस दिशा में हमेशा उजाला होना चाहिए। नंबर आठ, ऐसे ही दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दरवाजा या तिजोरी रखना पैसों और आयु की हानि कराने वाला होता है। नंबर नौ, वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा घर में कमलगट्टे की माला रखने से धन की दुर्बलता दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद घर के सदस्यों पर बना रहता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आर्थिक तंगी लगातार बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखें और उसे समय समय पर बदलते रहें। नंबर दस, ज्योतिष शास्त्र, घर में भूल कर भी कांटेदार पौधे न लगाएं। ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है, यह घर में बरकत नहीं होने देता। नंबर 11, अगर बात वास्तु टिप्स की करें तो घर की उत्तर दिशा में मेटल का कछुआ रखें, इससे घर में सकारात्मकता का संचार होता है। बता दें कि कछुआ को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। नंबर 12, बहुत से लोगों को अपने पर्स में ढेर सारे पुराने बिल, गैर जरूरी कागज या तमाम तरह के सामान आदि रखने की आदत होती है। वास्तु में धन स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी को बहुत बड़ा दोष माना गया है, जिसे धन स्थान पर बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। वास्तु के अनुसार कोई व्यक्ति यदि धन स्थान जैसे तिजोरी या पर्स आदि में गैर जरूरी चीजें रखता है तो वहां से धन की देवी लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। नंबर 13, वास्तु के अनुसार जो लोग अपने पर्स और उसमें रखे पैसे को अपवित्र हाथों से छूते हैं, उनके पर्स में कभी पैसा नहीं टिकता है और वह तमाम कोशिशों के बाद भी खाली ही रहता है। शौच के बाद कभी भी बगैर हाथ धोए पर्स को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 14, वास्तु के अनुसार पर्स के भीतर सिक्के और नोट को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। ऐसे में भूल कर भी सिक्के और नोट पर्स के एक ही खाने में न रखें। नंबर 15, झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए,
इसे हमेशा छिपा कर रखना चाहिए जिससे किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। नंबर 16, वास्तु के अनुसार पर्स में कभी भी कटेफते नोट, नुकीलिया धारदार चीज, हैंड वॉश, पेपर, सॉप आदि नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये सभी चीजें निगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं जिससे धन का आगमन रुक जाता है और उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है। नंबर 17, बहुत से लोग अपने पर्स में दिवंगत गुरु, पिता, पति या पन्नी या फिर देवी देवताओं की तस्वीर रख लेते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। वास्तु के अनुसार जिन लोगों की चाह है कि उनका बटुआ हमेशा पैसों से भरा रहे, उन्हें भूलकर भी देवी देवताओं या दिवंगत लोगों की तस्वीर उसमें नहीं रखना चाहिए। नंबर 18, उत्तर में स्थित कमरों व दीवारों का रंग नीला रखें और प्रयास करें कि लाल रंग की वस्तुओं को इस दिशा में ना रखें। नंबर 19, साफ सफाई बनाए रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में कचरा अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, खास तौर से अपने किचन के सिंक में जूठे बर्तन ना रहने दें। रोज रात में पूरे दिन के बर्तन साफ करके ही सोए। नंबर 20, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा अच्छी तरह मेंटेन रखना चाहिए, नियमित रूप से दरवाजे की सफाई करनी चाहिए और पेंट करना चाहिए। अगर आपके मेन गेट से किसी प्रकार की आवाज आती है तो उसे तुरंत सही करा लें। मान्यताओं के अनुसार इससे आपको धन की हानि हो सकती है। नंबर 21, काले रंग को वास्तु शास्त्र में नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। काला कपड़ा पहनने से जीवन पर कई सारे प्रभाव पड़ सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार काला वस्त्र धारण करने से करियर में उतार चढ़ाव और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो